बोलिए। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? क्या बात है, क्या बात है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो नमस्कार साथियों, चलो गया। आज आप देख सकते हैं कि हमारे सारे रत्न यहाँ पे खड़े हैं और हमारे इस रत्न के जो छोटे छोटे हीरे हैं वो भी मतलब कि हमारे बगल में खड़े हैं। तो आज जो मॉर्निंग असेंबली में जो हम लोग एक के क्यूज़ का आयोजन किए हैं, और क्यूज़ क्या होंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चंस होंगे, और उसी तरह सिमिलरली इसके पहले जो वीडियो था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ना प्रश्न करेंगे ना उत्तर करेंगे, बल्कि सारे बच्चे प्रश्न करेंगे, बच्चे ही आंसर देंगे। क्योंकि मेनली हमारा जो है कि बच्चों को कैसे बिल्कुल उसके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल को हाई करना, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे बच्चे के पास बहुत कुछ है लेकिन अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाते, अपने बातों को कह नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि इस गेम के बाद, इस क्वेश्चन आंसर क्यूज के बाद उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट बढ़ेंगे और अपनी बातों को बहुत बेबाक की तरह रखेंगे। और हमारे साथ आलोक सर भी हैं, हरीश्वर सर भी हैं, और हमारे रूही मैडम जी भी हैं। और तो फिर हम चाहते हैं कि भाई बिना डिले के हुए हम लोग सीधे चलते हैं बच्चों के पास, और आज बच्चे क्या प्रश्न कर रहे हैं मेरे को भी पता नहीं है और क्या उत्तर दे रहे हैं अब बच्चे ही जानेंगे। तो फिर चलते हैं बच्चों के पास, है ना। अब हम माइक के थमा रहे हैं, भाई सर खोल लीजिए, भाई बच्चे को बुलाइए। शुक्रिया। चलिए पहला क्वेश्चन कौन शुरू करेंगे? आइए, चलिए आपका क्वेश्चन क्या है? पांच नदियों का शहर किसे कहा जाता है? इनका क्वेश्चन है पांच नदियों का शहर किसे कहा जाता है। चलिए सुशांत बताएंगे पांच नदियों का शहर किसे कहा? पांच नदियों का शहर पंजाब को कहा जाता है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। अगला क्वेश्चन कौन पूछेंगे? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? इनका प्रश्न है अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? इसका जवाब अच्छा आप हैं? अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को कहा जाता है, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन रोहित कुमार, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? जुड़वा शहर बोलिए। जुड़वा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है। क्या बात है, क्या बात है। बोलिए खुशी, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है इनका, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, इसका आंसर कौन देंगे? अच्छा आप हैं? नवाबों का शहर लखनऊ में को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बोलिए, सात टापुओं का नगर किसे कहते हैं? सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, इसका आंसर देंगे हमारे विद्यालय के होनहार छात्र जीतू कुमार। बोलिए, सात टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सात टापुओं का नहर मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बोलिए। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? क्या बात है, क्या बात है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, गुलाबी शहर अगर जयपुर कहा जाता है तो बोलिए सर कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? बोलिए जयपुर। क्या बात है, शानदार। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बता रही है नूतन प्रिया। बोलिए, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए खुशबू बोलिए। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? चलिए आगे आगे सुशांत। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए इनके तरफ से आ रहा है, आइए बोलिए। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? बोलिए, झीलों का शहर श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का शहर श्रीनगर को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के शोक नदी किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के शोक नदी किसे कहते हैं? आइए, पश्चिम बंगाल की शोक नदी, पश्चिम बंगाल के शोक नदी को दामोदर नदी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की शोक नदी को दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का। और चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, सबको मौका मिलेगा,
बोलिए। मेघों का घर किस राज्य को कहते हैं? मेघों का घर किस राज्य को कहा जाता है? मेघों का घर किस राज्य को कहा जाता है? आप बताएंगी? मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। बहुत बढ़िया, मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन, कौन किनके तरफ से आ रहा है? इनके पास है। आइए। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी मसूर को कहा जाता है। मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोलिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शब्द कहा जाता है? बहुत अच्छा, बगले में है जना। हाँ बोलिए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आइए। भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। केरल को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बोलिए। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? नमक का शहर। नमक का शहर, नमक का शहर, इसको साल्ट सिटी इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ यहाँ आ गई छोटी। हाँ बोलिए। साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है? गुजरात को साल्ट सिटी कहा जाता है। क्या बात है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का शहर या पर्वों का शहर किसे कहा जाता है? क्या बात है। मदुरै को। तेज बोलिए। त्योहारों का शहर मदुरै को कहा जाता है। त्योहारों का शहर मदुरै को कहा जाता है।